मिलेगा मुझे इंसाफ? मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्थित कर लूंगी, मुझे कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मिले योगी जी और मोदी जी से मेरी यही अपील है। योगी और मोदी से शिया धर्मगुरु कल्बे पहले ही गुहार लगा चुके हैं, तो अब एक बार फिर मोदी और योगी से गुहार लगी है मदद की। सबको पता है कि बाबा का एक्शन कितना पावरफुल है। ये गुहार एक मुस्लिम महिला ने की है। महिला ने इंसाफ की उम्मीद योगी से की है और अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी। आखिर क्यों उस महिला को ऐसा करना पड़ रहा है? 6 महीने की गर्भवती के साथ क्या हुआ? खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां पति ने पत्नी को घर बैठे बेच दिया। घर पर बुलाता है गैर मर्द और जबरन संबंध बनवाता है। यहां तक कि देवर और जेठ ने भी उसके साथ रेप किया है। कहते हैं पत्नी घर की लाज होती है, जिसे इस दरिंदे ने चंद पैसों में सौदा कर दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि पति नशे का आदी है, रोज उसके साथ मारपीट करता है। शादी के बाद से ही उसका शौहर उसे दहेज को लेकर परेशान कर रहा था। मांग पूरी नहीं हुई तो उसने उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। पति के अत्याचार से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वो कई महीनों से थाने के चक्कर काट रही थी। थक हार कर पीड़िता अब SSP कार्यालय पहुंची। यहां पर उसने एक शिकायती पत्र दिया। अपने शिकायती पत्र में महिला ने लिखा, अब सिर्फ योगी और PM मोदी से ही उसे न्याय की उम्मीद है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लूंगी। मेरी शादी हुई थी उसके बाद से ही उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया। शुरू में तो लोग मुझे दहेज के ऊपर करते थे कि ये लेखा अपने घर से वो लेखा। फिर उसके बाद से मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया। गैर मर्दों को ला ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ जबरदस्ती किया करते थे, जबरदस्ती उनके साथ मेरे संबंध बनवाया करते थे। उनसे पैसे ले लेके अपने यार दोस्तों को ला ला के पता नहीं कौन कौन बहुत लोग लेकर आते थे घर पे। उनकी बात नहीं मानती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे घर वाले भी। वे भी घर वालों को बताया मैंने उनके, तो घर वाले बोलते कि जो हमारा लड़का कह रहा है वो कर वरना तुझे मार देंगे जान से हम। उसके बाद मेरी बेटी हुई, बेटी होने के बाद भी उन लोगों ने बहुत परेशान किया। फिर उस बेटी को भी धमकी देने लगे कि जो हमारा बेटा कह रहा वो कर, अगर तुमने उसके कहने पर नहीं किया तो हम तेरी बेटी को भी तुझे भी मार देंगे। चोट के निशान भी आपके शरीर जी? चोट के निशाने अभी रास्ते में, जब से मैं वहाँ से अलग हुई हूँ तो चोट के रास्ते में भी उन लोगों ने मेरे ऊपर कई बार हमला किया चाकू से। मेरे देवर ने, जेठ ने और मेरे पति ने, तीनों थे वे, उसकी भी मैंने एप्लीकेशन दी थाने में, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और मेरे देव तकरीबन मैं 6-7 माह की गर्भ थी उस टाइम पे, मेरे पति देवर ने और जेठ ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मतलब कि मेरा रेप किया दोनों ने। भी ये बात मैंने उनके घर को बताई तो उनके घर को ने, बहन ने, भाई ने, सब ने मेरे साथ मारपीट की। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। योगी जी और मोदी जी से मेरी यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले और उन लोगों को सजा मिले, वरना मैं ये मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्थित कर लूँगी। बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे मोदी जी और योगी जी से यही अपील है मेरी, मुझे इंसाफ मिले, वरना बस बिल्कुल हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तब से आप पुलिस के चक्कर काट रही हैं? 2.5-3 महीने से मैं पुलिस के चक्कर काट रही हूँ। कभी कहीं बोलते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुकदमा दर्ज हुआ अभी, वो भी मेरे बयान के ऊपर नहीं हुआ जो जो मेरे साथ हुआ है। प्रेग्नेंट भी है जी, 9 महीने की प्रेगनेंसी है। इस हालात में मैं धक्के खाती फिर रही हूँ, छोटी बच्ची है मेरी, कभी कहीं पता नहीं किस स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। कब तक मैं ऐसे रहूँगी? कब मिलेगा मुझे इंसाफ? वहीं इस मामले में सिटी SP सत्यनारायण प्रजापत ने महिला के आरोप दर्ज किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला का केस महिला थाने में दर्ज किया गया है। उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उन आरोपों की सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुकदमे की विधिक विवेचना की जाएगी। शिकायतों पर जांच शुरू हो गई है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि क्या महिला की गुहार योगी तक पहुंचती है और क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है। इस पूरी खबर पर पूरी अपडेट देते रहेंगे।